नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। होली के त्योहार की सबको बहुत बहुत बधाई हो। गुरुकुल में होली कैसे मनाई जाती है, तो आइए आज कल्पेश भाई और दूसरे आचार्य गण के सानिध्य में बच्चों ने कैसे कलर बनाए, प्राकृतिक कलर, होली भी कैसे आयुर्वेदिक तरीके से मनाई जाती है, और श्रद्धा पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष तीनों उससे जुड़े हुए है। तो आइए हमारे कल्पेश भाई और उनके सानिध्य में बच्चे और सभी आचार्य गणों ने कैसे होली मनाना है उसको आज समझते। तो होली के अंदर समझ लीजिए, मैं एक दो बात बताना चाहूंगा कि जब उसकी अग्नि प्रदीप्त होती है तो हमारा उस समय का पूरा सीजन का कफ डाइल्यूट होता है, तो कफ उसको धीरे धीरे गल के निकलता है। और आध्यात्मिक पक्ष तो सबको पता ही है, उसमें मुझे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके अंदर कई कई प्रकार की औषधि होती है और एक साथ में बड़ी मात्रा में यज्ञ की प्रक्रिया होती है और उस समय एक अलौकिक वातावरण भी हो जाता है। तो गोबर से होली करना और उसके अंदर आयुर्वेदिक औषधि का महत्व है, उसी प्रकार होली खेलना दूसरे दिन उसका भी एक महत्व है। तो केशुड़े के जो फूल होते हैं, पलाश के फूल, उसका भी एक अलग महत्व है, उससे नहाना और अलग अलग औषधियों से रंग बनाना और उससे नहाना। तो केमिकल वाले कलर से दूर रहिएगा, उससे बहुत स्किन को हानि होती है। तो कैसे बनाते आइए हम बच्चों से भी समझते, और सबको प्रार्थना है जो भी प्राकृतिक कलर बनाते और जो भी अच्छी तरह से कर रहे उनको सहयोग करिए, उनके साथ जोड़िए। सबको होली की शुभकामना। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, जय गौ माता। गोदित विद्यापीठ से कल्पेश जोशी का आप सभी को वंदन। होली की आप सभी को शुभकामनाएं। होली का हम जो वैदिक पद्धति से उत्सव मनाते हैं उसको हम शास्त्रों में यज्ञ भी कहते हैं, और ये यज्ञ ऐसा है कि इस यज्ञ में एक ही समय पर भारत के विविध स्थानों पर आहुतियां दी जाती है, और ये जो आहुतियां जो है वो सब औषधि से युक्त है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गोखरू, साथ में निषोध, जायफल, जेठी मध, देवदार, आंबा हरदर, एरंडमूल, गिलोय, सर्पगंधा, अनिजामूल, नागरमोथ, जीवंती, बिल्व, तज, शंख पुष्पी, पुनर्नवा, शतावरी, गुगल, ऐसा सब मिला के अंदाजित 36 से ज्यादा यहाँ पे औषधियां जो है वो तैयार की गई है। और उस औषधियों से माध्यम से यज्ञ के अंदर छात्रों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा और आचार्य गण के द्वारा औषधि प्रदान, आहुति प्रदान की जाएगी। देसी गौ माता के गोबर से उपले बनाए जाते हैं और इसी उपले से यहाँ पे यज्ञ होगा, जिसको हम ओली का उत्सव कहते हैं। और यहाँ पे विविध प्रकार की जो औषधियां हमने देखी, उस औषधियों से यहाँ पे आहुति प्रदान की जाएगी, और छात्र जो है वो अग्नि सूक्त का पाठ करेंगे, और अग्नि सूक्त का पाठ करके प्रदक्षिणा करके जो आहुति तैयार करी है, औषधीय युक्त जो आहुति है वो इस यज्ञ में सब प्रदान करेंगे, और इससे पूरा जो वातावरण है उस वातावरण का शुद्धिकरण होगा, और यहाँ पर आसपास में जो भी विषाणु है वो सारे विषाणु यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये प्राकृतिक रंग का निर्माण किया है, स्नेहाबेन है, स्नेहाबेन और आशुतोष भाई दोनों हमारे गुरुकुल के आचार्य है, और ये दीपाली बेन है, सभी ने मिलके ये छात्रों को प्राकृतिक रंग निर्माण करने का सिखाया है। तो खूब आनंद से ये छात्र जो है वो प्राकृतिक रंग बना रहे हैं। ये सभी छात्र खेलेंगे, इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार का केमिकल का इसमें प्रयोग नहीं किया है, इसके कारण सभी छात्र जो है एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, और इसी के लिए वो उनको ये प्राकृतिक जो तरीके से रंग निर्माण किया है वही एक दूसरों को लगाएंगे। नमस्ते। आज धुलेटी के लिए हमने 5 तरह के रंग बनाने के लिए हमने सारी सामग्री इकट्ठा की थी। पहले तो पालक और मेहंदी, उसके पत्तों को हमने यहीं से, हमारे परिसर से ही उसको लिया, सारे बच्चे मिलकर उसको लेने गए। दूसरा पोई के बीज होते हैं, वो पोई के बीज में से आपको बहुत अच्छा रंग मिलता है। ये जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो पोई से ही है। तो इसमें दो तरह का होता है कि एक तो बेस के लिए हम आरे का लोट, मतलब जिसको कॉर्न फ्लोर बोलते हैं, उसको लेते हैं। तो कॉर्न फ्लोर के अंदर वो तो बिल्कुल प्राकृतिक है, आप उसको खा भी सकते हो। दूसरा हल्दी, तो हल्दी और आरे के आटे को मिक्स करके ये रंग बनाया गया है। फिर चूना, बहुत ही कम मात्रा में चूना और हल्दी दोनों को मिलाते हैं जब, तो एक आपको केसर रंग का एक रंग मिलता है, तो वो केसरी रंग ये बनाया गया है हमने। फिर बीट रूट से आपको बहुत अच्छा पिंक जैसा कलर मिलता है, तो वहां पर हमने एक पिंक कलर बनाया है बीट रूट से।
तो दो तरह के पर्पल, अभी और एक इंडिगो हो सकता है, गली जिसको गाड़ी बोलते हैं, तो इंडिगो का रंग हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादातर इंडिगो नाम से भी केमिकल वाले इंडिगो आते हैं, तो हम लोग अगर प्राकृतिक इंडिगो ला सकते हैं तो उससे एक बहुत अच्छा नीला रंग निकलता है। तो कुछ हद तक हम 6 या 7 रंग इस तरह से प्राकृतिक तरीके से बना सकते हैं। गोतीर विद्यापीठ के छात्र जो है वो देसी गौ माता के गोबर से ये उपले तैयार करते हैं, और इसी उपले से और देसी गाय माता के बिलोना का जो घी है उस घी से हर रोज यहाँ पे अग्निहोत्रम करते हैं, और उस अग्निहोत्रम से जो भस्म तैयार होती है उस भस्म को हम लोग ये प्राकृतिक रंग के अंदर, जब ये प्राकृतिक रंग जो तैयार हुआ है वो जब सूख जाएगा तो वो सूखने के बाद उसके अंदर ये देसी गाय के गोबर से जो भस्म तैयार हुई है वो भस्म हम साथ में मिला लेंगे, और वो मिलाने के बाद जो प्राकृतिक रंग तैयार होगा उस रंग से सभी छात्र धुलेटी आपस में खेलेंगे। जैसे कि अभी ये हल्दी से ये प्राकृतिक कलर तैयार हुआ, प्राकृतिक रंग तैयार हुआ, उस रंग के अंदर ये भस्म को मिला देंगे। देसी गौ माता के कंधे में से जो भस्म तैयार हुई थी वो भस्म हमने इस कलर के अंदर डाली थी, तो आज आप देखिए वो जो प्राकृतिक रंग है वो इतना अच्छे से तैयार हो गया, और तो अभी गोतीर्थ की छात्राएं जो है वो इसको छान के तैयार कर रही है, और साथ में वो गाय माता का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं और धुन गा रहे हैं उसमें, जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन Oh!